हीरा देवी कुमावत किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए हमें आधा किलो दही लिया है, एक कटोरी छोटा कटोरी मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा नीम के पत्ते हैं 10-15, हरा मिर्ची लिए हैं 7-8, हरा मिर्ची आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, हरे प्याज लिए हैं, हरे प्याज से बहुत अच्छी बनती है कढ़ी। अब हम सबसे पहले हम मिक्सी के जार में दही डाल देंगे। दही का पानी है जो डाल देंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद करके एकदम बारीक पीस लेंगे। देखिए मैंने एकदम बारीक पीस लिया है, पूरा अच्छा सा मिक्स हो गया है दही और बेसन। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले हम भगोना ले लेंगे, भगोले के अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कौन सा भी ले लीजिएगा, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं वही ले लीजिए। पांच चम्मच मैंने ऑयल लिया है छोटे चम्मच से। ऑयल भी गर्म हो गया है, आधा चम्मच हम राई डाल, जीरा, एक छोटा चम्मच जितना है लहसुन अदरक कुटा हुआ ये डाल देंगे। थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए अच्छा सा लहसुन भी पक गया है। अब हम कड़ी पत्ते डाल देंगे, ऐड कर देंगे साथ में। अच्छा सा मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे हरा मिर्ची को। गैस के आप एकदम लो रखिएगा इस टाइम। हरा मिर्ची को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर हरा प्याज डाल देंगे। पकाएंगे हरा प्याज को। थोड़ा सा हम सूखा मेथी डाल देंगे, मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और
रेडी है, सब्जी बन गया है, सब्जी आ गया है, बहुत नाचना बन गया है। खड़ी पका रहे हैं, जब तक आप मेरा चैनल पर नए आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना भी ना भूलें। ऐसे खड़ी पर अब हम इसको इतना चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉईल आने पर छोड़ के दूसरा काम कर सकते हैं। देखिए 4 मिनट के बाद देखिए अच्छा सा पककर रेडी है कढ़ी। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनकर रेडी है कढ़ी, आप भी इसी तरह एक बार ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।